हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग का सेकंड पार्ट में कुर्ती की स्टिचिंग सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी कटिंग की, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बिना बुकरम का गला बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसे हमें अस्तर के कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ाई, मैंने इसे डबल फोल्ड कर रख लिया है। 3 इंच चौड़ाई हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई को 3 इंच रखा है, और गले की लंबाई हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 या 4.5 इंच तक हमने यहाँ पर गले की लंबाई को रखा है। देखिए, आप अपने हिसाब से गले की लंबाई और चौड़ाई डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और इसको हल्की सी शेप दे दिया है। इस तरह से हमने इसको हल्का सा शेप दे दिया। आप चाहें तो इसे गोल या किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा साइड या 1 इंच का इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर निशान लगाएंगे। ये पट्टी का निशान लगा रहे, देखिए इस तरह से 1 इंच, 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा पट्टी के लिए इस तरह कपड़ा निशान लगा लिया। सबसे पहले हम अंदर वाले निशान को इस तरह से कट कर लेंगे, और इसके बाद बाहर वाले निशान से कपड़े को कट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर गले की 2 पट्टियाँ हमें मिल जाएगी। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ 2 पट्टी निकाल ली है। अब हमारी जो कुर्ती का कपड़ा है उसमें हम इन पट्टियों को अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ सेंटर में निशान लगा लेना है। हमारे जो शोल्डर है वहाँ पर हमें सेंटर में एक निशान लगा लेना है, और उसके बाद जो पट्टी का सेंटर है उसको हमें जो हमारी कुर्ती के सेंटर को में इस तरह से अटैच कर रख देना है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रहे कि हमारी जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच होनी चाहिए। आप उसी हिसाब से यहाँ पट्टी को रखेंगे। पहले आप सेंटर में निशान लगा लीजिए, उसके बाद इस तरह से 3 इंच, जितना भी आपने 2 इंच 2.5 इंच का गला लिया हो उस तरह से नाप लीजिए और पट्टी को वहीं रखिए। देखिए, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे ताकि हमारा गला टेढ़ा ना बने या फिर इधर उधर ना जाए। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। पट्टी को इस तरह सेफ्टी पिन से मैंने यहाँ पर अटैच कर देना है। देखिए, इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन से अटैच कर दिया है। और अब इसके बाद हम कॉर्नर पर, बिल्कुल कॉर्नर पर हम इसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, आपको ज़्यादा ना है अंदर लगानी है, और ना ही ऐसी सिलाई लगानी है कि वो बाद में निकल जाए। आपको कम से कम 1/2 इंच की सिलाई यहाँ पर लगानी है। जैसे ही हमारे गले का शेप है वैसा ही हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। जो बीच वाला भाग है हमारा उसे कट कर हम अलग कर देंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर गले में छोटे छोटे कट लगाना है। ध्यान रहे, आपकी सिलाई यहाँ पर कटनी नहीं चाहिए। छोटे छोटे कट लगाकर हम पट्टी को पलट लेंगे। देखिए, हम यहाँ सीधे भाग की तरफ इस तरह पट्टी को पलट लेंगे, और पलटने के बाद हम यहाँ कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे ताकि पट्टी हमारी अच्छे से अटैच हो जाए। देखिए, इस तरह से पट्टी को अंदर फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर चपटी सिलाई लगा देंगे। आगे चपटी सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस पट्टी को अंदर से ही फोल्ड करना होता है। तो देखिए, इस तरह से अंदर से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी पट्टी अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप बुकरम लगाते हैं तो आपको इसे पहले से ही ओटना पड़ता है, लेकिन हमने यहाँ पर बुकरम का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम इसे बाद में फोल्ड कर देंगे। देखिए, अब इसके बाद हमें अब हमारा गला यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे ही दूसरा गला भी हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कुर्ती को शोल्डर से जोड़ना होता है। दोनों गले तैयार करने के बाद इस तरह से हम दोनों को शोल्डर से जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से शोल्डर से जोड़ते समय आप ध्यान रखना है कि आपका एक जो भाग है कुर्ती का वो सीधा होना चाहिए, और दूसरा भाग हम उसके ऊपर उल्टा रखेंगे ताकि जब हम उसे सीधा करें तो दोनों भाग हमें सीधे ही मिले। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों को शोल्डर से इनको अटैच कर लिया है। और आप जब भी सिलाई लगाएं तो ये रखिए ध्यान कि आप डबल सिलाई लगाएं ताकि आपकी सिलाई पक्की हो जाए। देखिए, हमने यहाँ शोल्डर से अटैच कर लिया है। शोल्डर से अटैच करने के बाद अब हमें इसमें स्लीव्स जोड़नी होती है। तो स्लीव्स जोड़ने के लिए देखिए, हमने स्लीव्स यहाँ पर कट करके रखी है। इसका कटिंग वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं चैनल पर। देखिए, इस तरह से हमें आगे का जो भाग होता है उनको फोल्ड कर लेंगे दोनों आस्तीन के। इस तरह से देखिए, आगे के भाग को हम फोल्ड कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पहले। ऐसे ही दूसरी आस्तीन भी हमें रेडी कर लेनी है।
देखिए अब इसके बाद हम कुर्ती पर इसे अटैच करेंगे। तो जो हमने कुर्ती हमारे दोनों शोल्डर से जोड़े हैं उन भागों को इस तरह से सीधा रखेंगे और आस्तीन को इस तरह से हम उल्टा रखकर इस पर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम आस्तीन को इस तरह से फोल्ड कर इसका सेंटर भाग निकाल लेंगे। हम सेंटर भाग को जहाँ हमने हमारी कंधी जोड़ी है वहीं सेंटर भाग हमारा आना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने जो हमारी कंधी का सेंटर भाग है उसी को इस तरह से स्लीव्स के सेंटर भाग पर रखकर आधी स्लीव्स हम उस साइड और आधी स्लीव्स दूसरी साइड अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से आप रखकर इन्हें देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। से यहाँ स्लीव्स में भी हम इसे डबल सिलाई लगाकर ही अटैच करेंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। अब जिस तरह से हमने ये स्लीव्स अटैच करी है वैसे ही दूसरी साइड की स्लीव्स को भी हम अटैच कर लेंगे। देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह से दोनों स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद मेन काम हमारा आता है फिटिंग लगाने का। बहुत से लोगों की फ़िटिंग सही नहीं आ पाती है तो आई होप कि आज मैं आपको जो तरीका बताऊं उससे आप परफेक्ट जो फिटिंग है वो लगा पाएंगे कुर्ती की। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ कुर्ती को उल्टा बिछा लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा सेंटर है। कुर्ती के सेंटर में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से हमारा सबसे पहला जो निशान लगेगा वो चेस्ट का लगेगा, उसके बाद कमर का लगेगा और देन उसके बाद हमारा निशान लगता है हिप का या हमारे चाक का। तो सबसे पहले हमारा चेस्ट का निशान लगेगा। चेस्ट हमारे हैं 36 इंच। तो 36 इंच का चौथा भाग हम यहाँ पर लगाएंगे 9 इंच। तो इस तरह से हमने जो कुर्ती का सेंटर का निशान लगाया उससे 9 इंच इस तरफ और 9 इंच उसके दूसरी तरफ हम निशान लगाएंगे। देखिए आप सेंटर निकालने से ये आपका अच्छा होता है कि आपकी जो फिटिंग रहती है वो एक साइड नहीं लगेगी, दोनों साइड बराबर लगेगी। किसी किसी फिटिंग लगाने में मिस्टेक हो जाती है कि आप एक साइड ज़्यादा फिटिंग लगा देते हैं और एक साइड कम, तो वो कुर्ती की फिटिंग सही से नहीं आ पाती है। इस तरह से मैंने देखिए 9 इंच का निशान इस तरफ और 9 इंच का निशान उस तरफ, यानी कि हमारे 36 इंच के जो चेस्ट है वो उसका निशान लग चुका है। अब इसके बाद स्लीव्स में भी आप इसी तरह निशान लगाएंगे। स्लीव्स की गोलाई अगर आपकी यहाँ पर हमारी गोलाई है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। देखिए चेस्ट का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे 14 इंच पर हमारा जो वेस्ट का निशान होता है, कमर का निशान। कमर का निशान हमारी कमर यहाँ 32 इंच है, तो मैं यहाँ सेंटर से 8.5 इंच का निशान उस तरफ और 8.5 इंच का निशान इस तरफ। देखिए इस तरह से मैंने 8.5 इंच का निशान इस तरफ भी लगा लिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे हमारा हिप या फिर चाक का निशान। तो इस तरह ऊपर से 19 इंच पर हम यहाँ चाक का निशान लगा रहे हैं और हिप हमारे हैं 38 इंच। तो 38 इंच का चौथा भाग यानी कि 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हम जो सेंटर है हमारा उधर लगाएंगे और 9.5 इंच का निशान ही इधर लगाएं। देखिए इस तरह से 9.5 इंच सेंटर पर रखकर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और 9.5 इंच का ही मैं उधर ही निशान लगाऊंगी। देखिए आपको सेंटर में रखना है और इस तरफ 9.5 इंच का निशान भी वैसे ही उधर भी लगा देना है। इससे आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। और आपको देखिए अब आपको क्या करना है कि इन जो तीनों निशानों को हमें मिला देना है। हमने जैसे निशान लगाए हैं वैसे ही इन तीनों निशानों को मिला देना है और ऐसे ही स्लीव्स में भी हम निशान लगाएंगे। मैंने उधर तीनों निशानों को मिला दिया है और यहाँ पर भी इस तरह से निशान को मिला दें। स्लीव्स की गोलाई लगाकर आप इस तरह से उनको मिला सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ हिप तक निशान लगाएंगे, उसके बाद हमारे यहाँ से चाक बनेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है। देखिए अब इस तरफ भी मैंने ऐसे ही निशान लगा दिया, हमको हिप तक ही निशान लगाने। हिप के बाद हमारे चाक बनेंगे तो चाक नीचे से खुले रहेंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ फिटिंग की जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही सिलाई लगा लेनी है हिप तक।
ठीक है। और जैसे हमने निशान लगाए कमर में, हमारी जो कमर होती है वैसे कर्व एरिया होता है वहाँ गोलाई में निशान लगा है, तो गोलाई में ही हमें इस तरह से कपड़े को गोलाई में घुमाते हुए निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद देखिए इस तरह से हमने लास्ट में जहाँ हिप का निशान, हमारा चाक का निशान लगाया है, वहाँ पर हम सिलाई को लॉक कर देंगे। सिलाई को लॉक इसीलिए करेंगे ताकि हम यहाँ चाक बनाएंगे और चाक बिना लॉक किए हम चाक नहीं बनाएंगे, लॉक करने के बाद ही चाक बनाएंगे ताकि हमारी फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी आए। चाक हमें दूसरी साइड भी इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है हिप तक। अब इसके बाद हम चाक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चाक के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कुर्ती में आपके अगर चाक अच्छे बनेंगे तो कुर्ती की फिनिशिंग अच्छी लगती है। तो सबसे पहले देखिए जहाँ हमने फिटिंग का हमारा सिलाई लगाई है, जहाँ सिलाई हमने पक्की करी है हिप के यहाँ पर, वहीं से हम इन दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। देखिए आगे वाला हिस्सा अलग और पीछे वाला हिस्से को अलग कर देंगे हम। एक कुर्ती के एक छोर को पकड़कर इस तरह नीचे से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर हमें ऊपर तक जहाँ हमने चाक का निशान लगाया है, फिटिंग की जो हमारी सिलाई लगी है वहाँ तक हम यहाँ इसको ले जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ जो हमने पक्की सिलाई करी है वहाँ तक इसको ले जाएंगे नीचे से सिलाई लगाते हुए। देखिए चलिए हम यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। पहले इस तरह से नीचे से स्टार्ट करेंगे, कुर्ती का एक पल्ला पकड़कर पहले नीचे से हमने फोल्ड करना है इसे। देखिए आप आराम से धीरे से धीरे धीरे इसको फोल्ड करते हुए ऊपर ले जाएंगे। हमारा जो हिप का निशान, चाक जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं तक इसको हमें ले जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है चाक में, आपका चाक तब भी वहाँ से चौकोर दिखेगा जब आप वहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ऊपर तक लाना है इसे, जहाँ तक हमने पक्की सिलाई लगाई है वहाँ तक इसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए लाना है। देखिए हम इसको ऐसे इस तरह से फोल्ड करते हुए लाए और जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ हम कपड़ा ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से ओपन करेंगे तो वो ऐसे चौकुर भाग में आपको कुछ दिखेगा। यहाँ फोल्ड करते हुए उसके ऊपर तक हम सिलाई लेकर आएंगे। देखिए यहाँ सिलाई लेकर हमें यहाँ सिलाई रोक देनी है और हमारी सुई जो होगी उसको अंदर ही रखना है, इसे ऊपर नहीं उठाना। इस तरह से घोड़े को ऊपर उठाकर हमारा जो कपड़ा है उसको हम टर्न करेंगे। देखिए तभी हम चौकुर जो चाक होते हैं वो इस तरह से चौकुर बने हुए होते हैं, वैसे ही सिलाई हमें इसमें लगानी है। तो हमने इसे कपड़े को टर्न किया है, हमें उसमें से सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई हमारी अंदर ही रहनी चाहिए, हमारी जो सुई है वो अंदर रहनी चाहिए। इस तरह से हमने इसमें अब एक आड़ी सिलाई लगाएंगे। इसको एक कपड़े से दूसरे कपड़े के ऊपर देखिए इस तरह से हम लेकर आए और इसके बाद फिर हमने सुई अंदर ही रखी है, हमें घोड़ा उठाना है और घोड़ा उठाने के बाद हमारे कपड़े को इस तरह से टर्न करना है। टर्न करने के बाद इसी तरह जैसे हमने उधर फोल्ड किया था इसी तरह फोल्ड करते हुए लंबाई में हमें नीचे तक लेके जाना है। ऐसे ही हमें दोनों साइड के जो हमारे चाक है वो बनाना है और इसके बाद फिर हम दामन में भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए चाक के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि कुर्ती में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो चाक ही होता है। देखिए इस तरह से नीचे तक हम फोल्ड कर ले जाएंगे और दामन में भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमारे चाक यहाँ पर परफेक्ट बने हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।